अदरे से आदमी आदमी से औरत के सामने आप लोग घुटना टेक दिए हो। कोई नशा बेच रहा है तो उसका खुल के विरोध करो। माहौल कैसा खराब हो रहा है और हम लोग पुलिस को बचावाई करते हैं, हम लोग मोर्चा निकालते इनके खिलाफ। बात नहीं है, ये चीज बहुत सरासर बहुत गलत है। समाज को गलत करना, समाज को खराब करना, मतलब पूरी कौम को खराब करने वाली बात हो गई। आप चोरी कर लो समझ में आ जाता है, डाका डाल लो समझ में आ जाता है, लेकिन आप पूरे किस नस्ल को खराब कर रहे हो। एक नस्ल बर्बाद हो रही है, ये देखो इसकी क्या हालत है। समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 134-138 में रोज की तरह फहद आजमी आज भी अपने वार्ड में विजिट कर रहे थे। वो रफी नगर में लोगों से मुलाकात कर रहे थे और कुछ कामों का जायजा ले रहे थे। वहीं उन्होंने देखा कि रफी नगर की एक गली में कुछ नशाखोर लोग खड़े हुए थे और एक लड़का घर के बाहर बैठे एक औरत से कुछ लिया और अपने जेब में रख कर जा रहा था। वहीं फहद आजमी ने उस लड़के को रोका और जब उस लड़के की जेब को चेक किया तब उसके जेब से गांजा और कुछ नशीले चीजें मिली। अरे हाँ ठीक है ना, आप बुरा लग रहा। चलो कुछ नहीं उनके पास, देखो स्टॉप कुछ नहीं उनके पास। जो था मेरे पास था, तो पीछे ड्राइवर टांग दो बोल रही, जो था मेरे पास था, इधर कुछ नहीं है। घर चेक करना है घर चेक करो, जो करना है करो। मेरे बच्चे देंगे आपको, बोलता रहे उतने ही लेके बैठी थी मैं, नहीं घर में नहीं है। अगर पेपर ज्यादा मिल गया ना बड़ा केस हो जाएगा। वहीं फहद आजमी ने पुलिस और लेडीज पुलिस को बुलाया और जब उस औरत की तलाशी ली तब उसके पास से काफ़ी सारी गांजे की पुड़ियां मिली और उन औरतों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं आसपास के मोहल्ले वालों ने फहद आजमी को दुआओं से नवाजा और उनका साथ देने का वादा किया। सबसे बड़ी कमजोरी आप लोग का चुप रहना पा, सबसे बड़ी कमजोरी आप लोग का चुप रहना। आप लोग की खामोशी आप लोग की नस्ल को बर्बाद कर देगी, आप लोग के बच्चों को बर्बाद करेगी। ये आने वाला टाइम ना, आज तुम्हारा बच्चा नहीं पी रहा है, अल्लाह करे तुम्हारा बच्चा नहीं पिए, लेकिन ऐसी अगर देखते रहेंगे हम लोग ना, तुम्हारा बच्चा नहीं पिएगा और ये पड़ा कर रहेगा रोड पे, मालूम पड़ेगा। फिर माहौल को खराब करने वाला भी बहुत बड़ा दुश्मन होता है।